मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार डे। मुमरा बाईपास पर आज दो हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है। ये हादसे आज सुबह के वक्त एक हादसा हुआ है करीब 3 बजे के आसपास में, और जबकि दूसरा हादसा करीब 10:30 बजे के आसपास में हुआ है। दोनों ही हादसे काफ़ी भयानक थे जिसमें तीन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पहला हादसा मुमरा बाईपास रहमानिया हॉस्पिटल के पास में हुआ है, जो कौसा के रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम मोइनू शेख बताया जा रहा है। और ये रात करीब 3 बजे के आसपास बाईपास पर एक ट्रक की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और इसी तरह से दूसरा हादसा भी 10:30 बजे के आसपास में आज सुबह मुमरा बाईपास पर रहमानिया हॉस्पिटल के नज़दीक ही सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक एक्टिवा से दो लोग ट्रक के नीचे आ गए थे और दोनों बाइक सवार जिनके नाम वैभव और राकेश हैं, ये एक्टिवा से शीलफाटा की तरफ जा रहे थे और तभी ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग जो है ये ठाणे के लोकमान्य नगर के रहने वाले थे और हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर मुमरा पुलिस भी पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।